अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पिरनवाड़ी में लक्की बेकरी मालकी को लेकर दो गिरोह में तनाज़ा पेश आया। बेकरी में मौजूद तमाम चीज़ों को कुछ हमलावरों ने रास्ते पर फेंक दिया, यहां तक पूरी तरह से तोड़फोड़ करने की भी बात अपने फरियाद में मोहतरमा रेहाना सलीम नसरदी ने बयान की है। कुछ देर तक पीरवाड़ी जाम्बूटी रोड पर तनाव का माहौल भी देखा गया। पुलिस भी वक्त पर मौजूद थी, लेकिन कार्रवाई न करने का इल्ज़ाम रेहाना नसरदी की जानिब से लगाया गया है। हमलावरों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, लिहाजा मामला वड़गांव पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। रेहाना सलीम नसरदी ने तमाम 10 हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। 25 लोग थे, मैं अकेली दुकान पे थी। अभी रुको थोड़ा, हमारे आदमी आ रहे करके बोले, तो भी सब निकाल के बाहर फेंक के मुझे सब खींचा खींची करके मार के धमकी दे के गए। वो मुझे गले में का मंगलसूत्र सब खींच के फाड़ के सब वो तो मारे। उसके से पहला थोड़ा आके भी धमकी दे के गए थे, और 2-3 दिन पहला भी ऐसा जाके चेंज करके पूरे जेंट्स थे। सलीम मेरा नाम है, नसरदी, सलीम नसरदी है मेरा ही दुकान है। मैं बैंक को गया था, मेरे वाइफ को रुका गया, तो 25-30 लोग आ गए मेरी दुकान को पूरा फोड़ दिए क्या के। और उनका नाम है अब्दुल सत्तार शेख, और दूसरा है जमीर कैम बोल के, और जावेद शेख बोल के है। वो कम से कम 25-30 लोग आए और दुकान फोड़ के गए मेरा। अब सब लोग, हमारा फैमिली पूरा इस पर चलने वाला है। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, पुलिस स्टेशन पे गए, उधर भी FIR नहीं लिया, हम लोग FIR नहीं बना, गुंडागिरी आ रहे। 8 दिन पहला भी आगे धमकी देके गए थे, मीटर निकाल के लेके गए थे, अभी आगे पूरा दुकान ही फोड़ दिया मेरा। आप जिनसे खरीदे वहाँ से आपको लीगल हो गया? हाँ, लीगल कोर्ट से ही हो गया मेरा पेपर पूरा, कोर्ट से मैं पूरा भर के पैसा भर के सब रजिस्टर करके। यहाँ जमात में बात नहीं किया, जमात वाले के साथ सब हुआ, जमात में फैसला हुआ, कुछ मान रही नहीं था। लास्ट को मैं कोर्ट से तुम्हारे साथ जमात वाले खड़े नहीं हुए? नहीं खड़े हुए, अब वो लोग नहीं आ रहे थे ना, तो जो लोग है वो सामने नहीं आ रहे थे, जमात के सामने नहीं है, जमात वाले खड़े थे यहाँ पे। आप चाहते क्या अभी डिपार्टमेंट? अभी नहीं, हम चाहते हैं सिर्फ एक्शन ले जाए, कम्प्लीट हो जाए। हम तो लीगली कानून की तरफ से हम लोग राइट ही है। हम लोग जो नुकसान हुआ है, जो नुकसान है वो हम लोग भरपाई चाहिए।